हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म रिपीट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिग बॉस को लेके अनीता हसनंदानी ने क्या कहा। जी हाँ, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो मोस्टली सेलिब्रिटीज देखते हैं और हर कोई इसके बारे में बातें करता है, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप ऑफ द टाउन जो शो बन जाता है, क्योंकि इसमें आते भी हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनके फ्रेंड्स। तो हाल ही में अनीता हसनंदानी ने ट्विटर पर अपना बिग बॉस को लेके व्यूज़ शेयर किए। जी हाँ, और वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट है बिग बॉस को लेके, शी इज़ नॉट हैप्पी। उन्होंने कहा कि बिग बॉस देखकर उन्हें इस वक्त कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या, आई होप कि आने वाले वक्त के साथ, टाइम के साथ जो है शो थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, लेकिन अभी तक तो डेफिनेटली उनको बोर लग रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये देखना होगा कि वो किसे करेंगे सपोर्ट, क्योंकि एक तरफ है जैस्मिन भसीन जो उनके साथ नागिन में रह चुकी थी। यस, उन्होंने उनके साथ नागिन सीरियल किया था जो उनकी पोस्ट आती, और साथ ही में उनके एक्स बॉयफ्रेंड जो बहुत वक्त तक उनके साथ थे, यानी एजाज खान। तो ये दोनों भी है इसी शो में, एंड वो अब किसे करेगी सपोर्ट? क्या वो अपने एक्स को करेगी या वो अपनी दोस्त जैस्मिन को करेगी? एंड आई एम श्योर वो रुबीना को भी पहचानती होंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ उन्होंने किसी के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने शो के बारे में बात की। और उन्होंने अभी तक शो के ऊपर अपने व्यूज शेयर किए कि शी इज़ नॉट हैप्पी, उनको लग रहा है कि कुछ खास नहीं हो रहा है अभी तक जो है, वो बस बोर हो रहा है बिग बॉस देखकर, एंड माइट भी आने वाले वक्त में डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो। मैं आपको ये भी बता दूं, आज घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने वाली है, आज उनके शूट है, आपको पता ही चल जाएगा बहुत जल्द कि बिग बॉस के घर में 3 कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड कौन आने वाले हैं। सो मुझे बताओ कि अब आप वाइल्ड कार्ड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। और आज जो है वीकेंड का वार शूट होने वाला है जो कॉलर पर्स आपको दिखेगा, तो सलमान खान को दोबारा देखने के लिए वीकेंड के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। जो भी आपके थॉट्स है बिग बॉस को लेकर, अनीता के व्यूज़ को लेकर, और साथ ही में जो है वीकेंड का वार को लेकर, वाइल्ड कंटेस्टेंट की जो एंट्री होने वाली है उसे लेकर, जो भी दोस्तों अगर आपके मन में है जो भी थॉट्स, उसे आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्म रिपीट।